गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चंस। इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स है, हम उसको सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, इफ आरसी इज इक्वल टू 1.5 किलो ओम, आरबी इज इक्वल टू 120 किलो ओम, वीसीसी इज इक्वल टू 10 वोल्ट एंड बीटा इज इक्वल टू 60, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट इफ फिक्स्ड बायस सर्किट इज यूज। इसमें ये किसका प्रॉब्लम दिया है हमें, फिक्स बायस का, जो कि हमने पहले ही सेकेंड डेज हमने डिस्कस किया था फिक्स बायस सर्किट। सो इसमें डायग्राम्स दी हुई है, यहाँ पे एमीटर ग्राउंड में है और हमें आरसी और आरबी की वैल्यू दी हुई है और पावर सप्लाई भी हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन में गिवन 10 वोल्ट, आरसी की वैल्यू दी हुई है 1.5 किलो ओम एंड आरबी की भी वैल्यू हमें दी हुई है, आरबी की वैल्यू है 120 किलो ओम, ओके, और एक करंट आईबी। सो हमें इसमें निकालना क्या है, हमें निकालना है करंट आईबी, ओके। सो आईबी हमें पता है कि फिक्स बायस में दो इक्वेशन होते हैं, ये दो हमें फिक्स बायस में बेस करंट हमें निकालना है। सो बेस करंट आईबी इज इक्वल टू क्या होगा, आईबी इक्वल टू होगा है बीसीसी माइनस बीबीई प्लस आरबी, ओके। तो यहाँ पे कौन सा पावर सप्लाई हमें गिवन है, प्लस वीसीसी, तो बीबी हमें नहीं दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वीसीसी अपॉन आरबी इज नियर अबाउट इक्वल्स टू वीसीसी अपॉन आरबी। सो अभी हमें बेस करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वीसीसी हमें दिया हुआ है 10 एंड आरबी की वैल्यू हमें पता है 120 किलो ओम, ओके, तो किलो, सो यहाँ पे किलो मीन्स 120 इंटू मल्टीप्लाई 10 पावर 3, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है करके